नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग EBS का एक पूरा प्रैक्टिस सेट 30 प्रश्नों का देखेंगे। किस तरह का आपका प्रश्न रहेगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये एक सोचिए मॉडल प्रश्न पत्र है। यहाँ पर हम लोग 30 प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि आपका EBS का 30 प्रश्न ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, EBS का है, पर्यावरण अध्ययन का है। पहला प्रश्न है, अधिगम की विशेषताओं में कौन सा शामिल नहीं है। अधिगम की विशेषता, यहां पर क्या पूछा गया दोस्तों, अधिगम की विशेषता में कौन शामिल नहीं है। तो यहां पर देखिए अधिगम की क्या क्या विशेषता, इसको समझिए। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम की विशेषता पहला है कि अधिगम जीवन पर्यंत यानी जिंदगी भर ये चलते रहता है। दूसरा विशेषता है, अधिगम विकास का प्रतीक है। अधिगम किसका प्रतीक है दोस्तों, विकास का। जिस जो अधिगम करते जाएगा उसका विकास होते जाएगा। अधिगम निरंतर परिवर्तन को दिखाता है, जो जिस तरह से आपका देखिए अधिगम करेगा, जो जिस तरह से अधिगम करेगा उसका धीरे धीरे उसी तरह से परिवर्तन भी होते जाता है। अधिगम एक विवेकपूर्ण कार्य है। अधिगम क्या है, विवेकपूर्ण कार्य है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि अधिगम का कौन सा विशेषता नहीं है। अधिगम निरंतर परिवर्तनशील है, यह सही है। अधिगम का सेवा स्वरूप केवल व्यक्तिगत होता है, यह गलत है। अधिगम का स्वरूप व्यक्तिगत नहीं होता है, ये गलत लिख दिया। अधिगम का जो स्वरूप होता है दोस्तों, ये व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। अधिगम का स्वरूप कैसा होता है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। यदि ये लिखा रहता तो सही हो जाता, तो ये मेरा गलत ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपको चुनना है। तो हमने क्या देखा कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली है, अधिगम विकास का प्रतीक है, अधिगम निरंतर परिवर्तनशील होता है, अधिगम विवेकपूर्ण होता है, अधिगम एक प्रकार का खोज करना है, अधिगम विकास का प्रतीक। तो यहाँ पर जो है अधिगम का स्वरूप केवल व्यक्तिगत है, गलत है। अधिगम का स्वरूप व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। सीखना क्या है, विकास की एक प्रक्रिया है। सीखना विकास का एक प्रक्रिया, ये किसने कहा था, जी मर्फी ने, अस्किनर ने, वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने। दोस्तों सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, वुडवर्थ ने कहा था। किसने, वुडवर्थ ने बोला था कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। तीसरा प्रश्न है, किन परिस्थितियों में उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है। किस परिस्थिति में उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध मजबूत होगा। उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध मजबूत करने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है, इसलिए इसका राइट आंसर निरंतर अभ्यास होगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अस्थाई ज्ञान का संबंध किस सिद्धांत से संबंधित है। अस्थाई ज्ञान का संबंध किस सिद्धांत से संबंधित है, प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशील का सिद्धांत। दोस्तों अस्थाई ज्ञान का संबंध आपका क्रियाशील का सिद्धांत से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर चौथा होगा। त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। थार्नडाइक ने बताया था कि सीखने वाला पहले त्रुटि करता है, जब उद्दीपन भविष्य में उसी यानी उद्दीपन होता है तो वह प्रतिक्रिया, उद्दीपन के प्रयास यानी उद्दीपन से प्रतिक्रिया होता है, और सबसे पहले शुरू में पहले त्रुटि करेगा और त्रुटि करते करते अंत में वह सही करने लगता है।
फिर धीरे धीरे वह क्या करता है, सीख जाता है। यही हुआ त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, और त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। छठा प्रश्न है, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है, यानी सीखने के लिए प्रमुख संसाधन क्या क्या हो सकता है। विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, यह भी सही है। ग्रंथालय, यह भी सही है। सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, यह भी सही है। ये सभी चीज़ें आपका छात्रों को सीखने के लिए प्रमुख संसाधन है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर आएगा। सातवां प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। यहाँ पर रुचि उत्पन्न करना है, रुचि उत्पन्न करने के लिए किस तरह से पढ़ाएंगे, आगमन विधि के द्वारा, मनोरंजन एवं खेल संबंधी, रटने का, निगमन विधि। दोस्तों, आगमन विधि, रटने की विधि और निगमन विधि, यहाँ पर रुचि कम उत्पन्न होता है, लेकिन जब हम मनोरंजक और खेल विधि से बच्चों को पढ़ाएंगे तो कौन ऐसा बच्चा है जो खेलना नहीं चाहता है। बच्चे भूखे रहना पसंद कर लेंगे, लेकिन यदि उसको खेल मिल जाएगा तो खेलना नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ रुचि, जब हम खेल खेल में शिक्षा देते हैं, मनोरंजक शिक्षा देते हैं, तो बच्चों में रुचि उत्पन्न होता है, इसलिए ये दूसरा नंबर राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, ये आठवां प्रश्न, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। यहाँ पर कह रहा है लड़कियाँ तेज होती है और लड़के कमजोर होते हैं। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान, लड़के लड़कियों यानी ये लड़के तेज और लड़कियां कमजोर पढ़ने में होती, कम बुद्धिमान होती है। किसने कहा था, ये क्या चीज है, यानी हम मानते हैं कि लड़कियां कमजोर होती है, ये अच्छा पढ़ नहीं पाएगी, लड़के तेज दिमाग वाले होते हैं, ये अच्छे पढ़ पाएंगे, ये क्या चीज है। यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, यानी यहाँ पर विभेद कर रहा है, लड़का लड़की को विभेद कर रहा है, लड़का लड़की में अंतर कर रहा है, इसलिए लैंगिक पूर्वाग्रह हो गया। जब लैंगिक पूर्वाग्रह होता है मतलब वहाँ विभेद होता है, अंतर होता है, लड़का लड़की को एक समान नहीं माना जाता है। यहाँ हम कहते हैं लड़के बुद्धिमान हैं, लड़के क्या हैं, बुद्धिमान हैं, और लड़कियाँ क्या हैं, कमजोर भोंदू। तो यहां पर हम इसको क्या कहते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह यानी विभेद और अंतर। नौवां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। आप जब देखेंगे ईवीएस की किताब, प्राथमिक स्तर वाला ईवीएस का किताब, यहां पर आपको कविता भी मिल जाएगा, कहानी भी मिल जाएगा। ऐसा क्यों, क्यों कविता और कहानी डाला जाता है, इसका क्या कारण है। विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, यानी बच्चों में हम चाहते हैं कि साहित्यिक रुचि विकसित हो, इसलिए ईवीएस के किताब में भी, पाठ्यपुस्तक में भी कविता और कहानी को डाला जाता है। दसवां प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन ठंडा रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान यानी वहाँ पर अत्यधिक ठंडा पाया जाता है, अत्यधिक ठंड यानी इतना ठंड कि जीवन यापन में परेशानियां होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है। तो किसको बोलते हैं, लद्दाख को, मेघालय को, हिमाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को। लद्दाख जो है यहाँ पर सबसे अधिक ठंडा पाया जाता है, इसलिए ठंडा रेगिस्तान इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ग्यारहवां प्रश्न, गुरकिरत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। नई दिल्ली से चेन्नई गई, ठीक है। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। अब देखिए नई दिल्ली से चेन्नई के बीच में कौन कौन सा नदी मिलता है, उसको पार करेगी, लेकिन जो नदी इधर बह रहा है तो उसको ये पार करेगी क्या, नहीं। तो इसमें से हमको देखना है कि नई दिल्ली और चेन्नई के बीच में कौन कौन सा नदी है। तीन दोनों के बीच में नर्मदा नदी, गोदावरी और कृष्णा नदी है, लेकिन गंगा नदी आपका इधर है। तो ये आपको कौन सा नदी नहीं संभावना है, गंगा नदी की संभावना नहीं है कि इसको क्रॉस करेगा।
बारहवा प्रश्न है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी कैसा है? गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ की अपेक्षा ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ जो है इधर वाला उल्टा हो जाएगा। तो किसके उल्टे हम लोग हैं? सापेक्ष उल्टे किसके? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के सापेक्ष हम लोग उल्टे हैं। तेरहवा प्रश्न है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? अम्लीय वर्षा का, किसका? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपका अम्लीय वर्षा का सबसे मुख्य कारक है। माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट के बारे में हमको क्या सही है इसके बारे में चुनना है। यह नेपाल का भाग है, माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है, ये सही है। और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर, यह भी सही है। तो ये मेरा सही कथन हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सभी तीनों गलत कथन होंगे। पंद्रहवा प्रश्न है, हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? रसायनों के द्वारा, गोबर और मल मूत्रों को सड़ा गलाकर, फल सब्जियों के कचरे द्वारा, मूंग उदर जैसी फसलों को उगाकर। दोस्तों यहाँ पर हरी खाद की बात हो रहा है, कंपोस्ट खाद अलग होता है, कंपोस्ट खाद अलग हुआ, एक सिर्फ हम खाद बोलते हैं, एक उर्वरक बोलते हैं, और एक हुआ हरी खाद। उर्वरक हुआ जो फैक्ट्री में तैयार होता है, फैक्ट्री और कारखानों में, वो आपको उर्वरक कहते हैं। कंपोस्ट हुआ घर के जो फल फूल वगैरह सब्जियां वगैरह का जो छिलका निकलता है, पुआल वगैरह है, पुआल वगैरह इस सब को जब गड्ढे में सड़ा गला देते हैं तो कंपोस्ट बन जाता है। लेकिन जब हम मूंग उदर जैसी फसल यानी दलहन जिसको आप कह सकते हैं, दलहन फसल को जब हम उगाते हैं, तो जो हमारा खेत है, खेत में यूरिया की मात्रा यानी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसी को हम मूंग उदर जैसी फसल को उगाकर हरी खाद तैयार करते हैं, क्योंकि इसका जो पौधा होता है दलहन के पौधा में एक राइजोबियम नामक छोटा जीव पाया जाता है, कीटाणु इस तरह से पाया जाता है, सूक्ष्म जीव पाया जाता है। और यह जो है वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को पेड़ पौधों में लेने लायक नाइट्रोजन में बदल देता है। इसी को हम हरी खाद कहते हैं यानी मूंग उदर जैसी फसलों को। 16वां प्रश्न है, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, यहां पर प्रतिबिंब बहुत नजदीक में आप रख दिया, ये बीम वस्तु, ये वस्तु है, बीम है। जब इस वस्तु को बहुत नजदीक में रख देंगे तो प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी, सीधा और आवर्धित। आभासी होगा, सीधा होगा और आवर्धित होगा, मतलब बड़ा होगा, डॉट डॉट से बनेगा ये, और सीधा ये बनता है। कश्मीरी चौगा कहलाता है, क्या कहलाता है? फिरन को, फिरन को कश्मीरी चौगा कहते हैं। 18वां प्रश्न है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। ये दाना और भूसा सब एक साथ है, जिस प्रक्रिया से यह अलग किया जाता है वह कहलाती है निष्पादन। निष्पादन के द्वारा दाना को अलग और भूसे को अलग किया जाता है। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, टामोग्राफ, पॉलीग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और सिस्मोग्राफ। दोस्तों सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तरंगों को निरूपित किया जाता है, भूकंप के तरंगों को मापा जाता है। 20वां प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है? भूस्खलन की घटनाएं, भूस्खलन मतलब ऊंची जगहों में जो मिट्टी है, पहाड़ है, चट्टान है, यह जो है घिसक करके नीचे आ जाना, नीचे आके फैल जाना।
कहाँ पर? हिमालय, हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक भूस्खलन होता है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए तीन प्रकार के आर हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए क्या है? तीन प्रकार का आर है। इस तीन प्रकार के आर का क्या मतलब होता है? कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण। ये तीन चीज हुए, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण। 22वां प्रश्न है, पर्यावरण की विभिन्नता के आधार पर विश्व के सभी प्राणियों को 6 प्रमुख भागों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है यह आपको यहां पर बताना है। इसमें राइट आंसर होगा मेलेनिशियन। मेलेनिशियन जो विश्व के पूरे विश्व के सभी प्राणियों को बांटा गया है उसमें से एक कोई भाग नहीं है। इथोपियन है, ओरिएंटल है, नियोट्रिपल, ये तीनों है, लेकिन मेलेनिशियन कोई भाग नहीं है, कोई प्रकार का नहीं है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, कौन इसमें से गलत है? 5 से 7 वर्ष की आयु में बालक पर्यावरण परिघटनाओं को आसानी से समझने लगते हैं। पर्यावरण में बहुत तरह के घटनाएं होती है, क्या जो बच्चे 5 साल से 7 साल के हैं ये सभी परिघटनाओं को समझने लगता है? गलत बात है, यह भी ये समझ नहीं पाता है कि ये क्यों हुआ। जैसे थंडर या फिर आंधी आया, तो आंधी क्यों आया? कहीं पर बिजली गिर गई तो क्यों आया? बिजली कड़क रही है, क्यों बिजली कड़क रहा है? ये सभी परिघटनाएं जो छोटे बच्चे जिसकी उम्र 5 से 7 वर्ष है ये समझ नहीं पाता, लेकिन यहाँ लिख दिया समझने लगता है, तो ये गलत लिखा है। हमको असत्य की पहचान करना है, यही हुआ आपका। आगे देखते हैं दोस्तों, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह प्रश्न पूछा जा चुका है और फिर से आ गया, क्यों? ये क्या चीज़ है? लैंगिक पूर्वाग्रह है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव नहीं देंगे? सुझाव नहीं देंगे मतलब कौन सा नहीं देखने के लिए कहेंगे? देखिए, नेशनल ज्योग्राफी में यह पर्यावरण से संबंधित दिखलाता है, डिस्कवरी में बहुत सारे जगहों का पर्यावरण को दिखाता है, एनिमल प्लानेट में एनिमल से संबंधित पर्यावरण को दिखाता है, लेकिन सेट मैक्स में आपका फिल्मी दुनिया, नाच गान, बहुत सारा चीज़ इधर इंटरटेनमेंट का दिखलाता है, मनोरंजन का केवल दिखाता है। तो हम ये बच्चों को सलाह नहीं देंगे, इसको नहीं देखो, लेकिन नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लानेट देखने के लिए हम सुझाव दे सकते हैं। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? वन्य जीव संरक्षण के लिए यूनेस्को, ये यूनेस्को समर्पित है। अत्यधिक चारण का परिणाम है, जब अत्यधिक चारण करेंगे, अत्यधिक पशु चारण होगा तो जलवायु परिवर्तन होगा, मृदा अपरदन होगा, ताप प्रदूषण होगा। देखिए, जब अत्यधिक चारण करते हैं तो जो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर घास है, ये सभी घास को जीव जंतु, जो पेड़, ये आपका पशु है, ये पशु खा जाते हैं, जिससे जब यहाँ पर वर्षा होता है तो यहाँ पर ये घास क्या करता था, पहले ये जो वर्षा के बूंदे होता था घास पर गिरता था, पहले घास पर गिरता था तब ये धरती पर पहुँचता था, इसके भार को पहले यह सह जाता था घास वगैरह, जिससे मिट्टी पर उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था, साथ ही जो घास का जड़ है यह मिट्टी को कस के पकड़ा हुआ रहता था, जिससे मिट्टी बहती नहीं थी, लेकिन अब घास है नहीं तो डायरेक्ट इधर से जो वर्षा की बूंदे आएगा डायरेक्ट मिट्टी पर पड़ेगा और इस मिट्टी को तोड़ेगा, आसानी से तोड़ देगा और इसको बहा करके ले जाएगा, तो इससे क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वन महोत्सव। अंतिम प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता था। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हैली राष्ट्रीय उद्यान पहले बोला जाता था। तो दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे
और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में।